हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम कमिंग हियर टू ब्रिंग यू अ सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और चैप्टर हमारा चल रहा था सॉल्यूशन, जो कि आपको पता होगा फर्स्ट पार्ट में काफी अच्छे से हम लोग डिस्कस किए हुए थे। सारा उसका बेसिक जितना भी टर्म था वो सारा हम लोग क्लियर किए हुए थे, जिसमें हम लोग सॉल्यूशन का डेफिनेशन देखे हुए थे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में भी अच्छे से हम डिस्कस किए हुए थे कि कैसे किसी सॉल्यूशन में अपन आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा सॉल्यूट होगा और कौन सा सॉल्वेंट होगा। फिर हम लोग कुछ नोट लिख के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हुए थे, जिसमें लोग देखे हुए थे अगर कोई सॉल्यूशन है, अगर उसमें दो कंपोनेंट डाला गया हुआ है तो उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। ये सारा हम लोग फर्स्ट लेक्चर में किए हुए थे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग करने वाले हैं सेकेंड लेक्चर और इसको देखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो आपको दबा के करना है लाइक, शेयर करना है और करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो आइए, एक नया टर्म है हमारे पास में, देखते हैं। लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन, ओके। और इसके जस्ट बाद से आपका सारा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है वो स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे सारा हम आपको इंडिकेट करके बताएंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है और इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया होगा। सारा हम हिंट्स देके सब आपको बताते हुए चलेंगे, ताकि आपको जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो आपको मेमोराइज हो पाए कि हाँ, ये टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसको ज्यादा टाइम देना है, इस चैप्टर का ये टॉपिक जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है, ऐसे करके आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो आइए कॉन्सेंट्रेशन की हम लोग बात करते हैं। तो लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विज डिजोल्व इन, यहां से देख लो, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विज डिजोल्व इन सर्टेन अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन, ओके। अब हिंदी वालों के लिए बोल देते हैं, वो वाले भी बच्चे लिख लेंगे। घुल की मात्रा जो एक निश्चित मात्रा या आयतन में घुला रहता है उसे सांद्रता कहा जाता है। आई थिंक हो गया होगा। अब देख लेते हैं यहां पर लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेंट्रेशन कैसे फाइंड आउट होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, गिवन मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूट दिया होगा उसका मास ऊपर में लिखेंगे और मास जो होगा वो ऑलवेज ग्राम में लेना है, ठीक है। फिर नीचे में दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है जो वो लीटर में लेना है, ना कि ml में लेना है, हमेशा लीटर में लेंगे। और जो सॉल्यूट का मास जो दिया होगा उसको ग्राम में लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन निकल आए। अब इसको हम लोग दो फिगर के द्वारा अच्छे से समझते हैं। सपोज एक ये कंटेनर है इसको हमने बोला सॉल्यूशन ए, सपोज एक और यहां पे एक कंटेनर हमने लिया, इसको बोला सॉल्यूशन बी, इसमें हमने डाला NaCl जो कि होता है सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, और इसमें जो वाटर का जो है वो 1 लीटर, और जो NaCl लिया हमने वो लिया 80 ग्राम, 1 लीटर वाटर में डिजोल्व। फिर अगर यहां पे बात करें तो इसमें भी वाटर जो है वो सेम है, 1 लीटर ही वाटर यहां पे भी लिया गया, बट यहां पे 100 ग्राम NaCl लिया गया होगा। तो अब इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को निकालना है। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम लोग जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना होगा तो हम लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कौन से सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन ए वाले का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ए, इसका निकालना होगा। फॉर्मूला हमको पता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास जो लेना होता है ग्राम में लेना होता है, ग्राम में दिया हुआ है बहुत बढ़िया, वॉल्यूम जो लेना होता है लीटर में दिया हुआ, लीटर में लेना होता है और लीटर में ही दिया हुआ, तो कोई भी चीज में चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो 80 ग्राम पर लीटर, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ए का। अगर फिर हम लोग को निकालना होगा कॉन्सेंट्रेशन बी का, वैसे हम लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बी, तो इसमें कितना ग्राम सॉल्यूट को डिजोल्व किया गया हुआ है, तो लिखा हुआ है 100 ग्राम सॉल्यूट, तो लिखेंगे 100
ग्राम पर लीटर। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेशन निकल आया। और अगर हम बात करें, अगर इन दोनों सॉल्यूशन हम कंपेरिजन करें कि किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और किसका कॉन्सेंट्रेशन कम है हमारे पास में, तो बोल सकते हैं हम लोग, तो इजिली दिख रहा है ये 18 है फर्स्ट वाले का और बी वाले का दिया हुआ है 100 ग्राम पर लीटर, तो बी वाले का ज्यादा है किसके कंपेरिजन में, ए वाले कंपेरिजन में, तो बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बी इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन ए, यानी जो कॉन्सेंट्रेशन है बी का वो किससे ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ए से ज्यादा है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन पे रिलेटेड न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म है जो काफी इंपॉर्टेंट है जिसको हम थोड़ा सा बता देते हैं, ये आपको मेमोराइज रहना चाहिए, नोट करके लिखाते हैं। सपोज 1 लीटर दिया होगा तो ये सबको पता होगा 1000 ml होता है। ओके, फिर अगर 1 ml दिया हो तो इसको बोलते हैं 1 cc, ये इक्वल होता है 1 cm³ के, ये आपको यूनिट याद रखना होगा। अगर ये याद नहीं होगा तो कितना एकदम इजी क्वेश्चन होगा बट बनेगा नहीं, तो ये याद होना चाहिए, एकदम बाई टंग होना चाहिए। ओके, क्या करता है क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्टी देने के लिए क्या करता है कि ये ml को नहीं देके यहां पे लिख देगा 500 cc। बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज, उनको समझ में आएगा बट कुछ भी नहीं है, जो ये cc है ये इक्वल होता है ml के। अगर ये 500 देता है cc तो इक्वल हो जाएगा 500 ml, और ml से अगर आपको वॉल्यूम जो चाहिए होगा, अगर वो रिक्वायरमेंट होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर रिक्वायरमेंट होगा आपको लीटर में, तो आप उसको लीटर में कन्वर्ट कर लो, 1000 से डिवाइड करके कन्वर्ट हो जाएगा लीटर में। तो ये आपको याद रखना होगा, और ये याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये बढ़िया बढ़िया जो क्वेश्चन आता है उसमें यही दो काफी कंफ्यूज करता है। अब आप वॉल्यूम ढूंढोगे बट वॉल्यूम तो मिलेगा नहीं एमएल में, वो मिलेगा हमेशा आपको सीसी में, और जब सीसी दिया होगा तो दिया होगा तो ये रिलेशन आपको याद रखना होगा, 1 ml में 1 cc, और 1 cc इक्वल टू 1 cm³। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ है और इसको हम लोग को सॉल्व करना है, जो कॉन्सेंट्रेशन से बेस्ट न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले तुम देखो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है, सपोज ये कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है तुम्हारा गिवन मास इन ग्राम और बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, तो जो मास दिया हुआ है NaOH का वो दिया हुआ है 40 ग्राम, और जिसको डिसॉल्व किया गया हुआ है 250 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो पूछ रहा है तुमसे कॉन्सेंट्रेशन बताना है ग्राम पर लीटर में, तो इजी तो है, बस ये वैल्यू पुट कर देना है फॉर्मूला में और हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखो यहां पे हम पुट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पे हम लोग गिवन मास जो है वो दिया हुआ 40 ग्राम NaOH का लिख दिए, फिर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम लेना था हमको, वॉल्यूम ले लिए, बट ये हम लोग ग्राम में लेना था तो ये ग्राम में ऑलरेडी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहां पे ध्यान देना होगा, इसका यूनिट देखना होगा, ये जो वॉल्यूम है वो हम लोग को लीटर में लेना था बट हम लोग को मिला हुआ है किसमें, क्वेश्चन में गिवन किसमें है, ml में दिया हुआ है, तो ml को क्या करना होगा लीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो लीटर में कन्वर्ट करना होगा डेट मीन्स इसमें 1000 से डिवाइड करना होगा, और 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग पढ़े होंगे लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन में, जब ये डिवाइड होता है बाटा में ये पलट के ऊपर चला जाता है, तो यहां से मिटा के डायरेक्ट इसको ऊपर में कर लो। ओके, तो देखो यहां से इसको कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल हुआ यहां से 4 टाइम में, और 4 4 60 और 10 यहां पे 0 आ गया, ये हो गया ग्राम और पर लीटर, ये हो गया हमारा आंसर। तो अब हमारे पास में नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है इफ 50 ग्राम NaOH, यानी कितना ग्राम, 50 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन 500 cc ऑफ सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन, यानी फिर से कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ग्राम पर लीटर में। तो क्वेश्चन तो काफी इजी है, बस कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्मूला में इसको रखना है और आंसर हमारा निकल जाएगा, पुट द वैल्यू और गेट द
आंसर वाला क्वेश्चन, बट इसमें काफी एक लॉजिक लग गया हुआ है। ये सीसी कितना बच्चा होगा उसको लगेगा कि ये सीसी दिया हुआ है, हमको वॉल्यूम चाहिए होता है तो वॉल्यूम ना ही लीटर दिया हुआ है ना ही एमएल दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन ही क्या है, मिसप्रिंट हो गया हुआ है, क्वेश्चन ही गलत हो गया हुआ है। बट वैसा बात नहीं है, आपको ये रिलेशन हम बताए थे, रिलेशन आपको याद होगा, बताए हुए थे 1 ml बराबर 1 cc इक्वल टू 1 cm³। ये वाला अगर रिलेशन आपको अच्छे से याद है, मेमोराइज है, तो आप काफी अच्छे से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, नहीं तो बहुत बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं, क्वेश्चन बनेगा नहीं, जबकि क्वेश्चन में दम है नहीं, बट आएगा नहीं, सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, पहले अगर आपको इतना पता होगा तो आप खुद से सॉल्व करो पॉज करके, और उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखो और उससे मैच करो कि हाँ आपका जो आंसर है वो करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए हम फिर सॉल्यूशन इसका करते हैं, तो आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, कॉन्सेंट्रेशन निकालने का होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास जो लेना होता है ग्राम में और वॉल्यूम जो लेना होता है लीटर में लेना होता है। तो पहले थोड़ा सा हम उस यूनिट को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, जो वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन वो दिया हुआ है 5500 cc, तो इसको हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं 500 ml, बस कुछ भी तो नहीं था, 500 ml हो गया, बस इतना से ही क्वेश्चन नहीं बनता। तो निकालते हैं कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मास जो दिया हुआ है वो है हमारे पास में 50 ग्राम, ठीक है, फिर दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है इतना ml, 500 ml, तो फिर यहां पे ml दिया हुआ है, बट हमको रिक्वायरमेंट किसका है, वॉल्यूम को कन्वर्ट करना होगा किसमें, लीटर में, ओके तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, फिर ये ऊपर चला जाएगा तो ये इनटू हो जाएगा 1000, 1000 से इनटू होगा तो ये 2 times में कट जाएगा और ये हो जाएगा 100, एग्जैक्ट हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 100 g/L, ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन निकल के आ गया। और ऐसे ही करके हम बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं, सपोज एक और आपको क्वेश्चन घुमाता क्या, एक ये वाला टर्म पे तो नहीं मिला हुआ है बट इस टर्म से अगर देता तो यही लिखता, बस इसको लिख देता 500 cm³, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होता, उसका भी मतलब होता है जितना दिया होगा उसको बस हम लोग को ml सीधा कन्वर्ट करके लिख देना है, कुछ भी नहीं, ये वाला बस रिलेशन आपको याद होगा, सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आई होप ये वाला सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और बहुत बच्चे पहले से खुद से भी करके इसको और रखे होंगे, उनका करेक्ट आंसर हुआ होगा। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ 49 ग्राम H2SO4 डिजोल्व इन 100 cm³ ऑफ सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, ओके तो फिर से चलिए इसको हम करते हैं सॉल्व, अगर जिनको पता होगा वो खुद से करके सॉल्व करेंगे पॉज करके और फिर अपना आंसर मिलाएंगे हमसे। आइए हम करते हैं इसका सॉल्यूशन, तो हमको गिवन में क्या क्या डाटा मेंशन है, सॉल्यूट दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो दिया हुआ है 49 ग्राम गिवन है, फिर बात करें अगर वॉल्यूम का तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो भी दिया हुआ है इतना cm³। तो फिर यहां पे लॉजिक लगाना होगा, वो वाला रिलेशन आपको याद होना चाहिए, बता रहे थे रिलेशन अच्छे से एकदम याद होना चाहिए, तो आप उस रिलेशन से अगर कन्वर्ट करना चाहो तो इसको कर सकते हो, कितना कितना ml, बिकॉज 1 ml इज इक्वल टू 1 cm³, तो इसके थ्रू हम लोग इसको ml में कर लिए। तो जो मास ऑफ सॉल्यूट जो चाहिए था ग्राम में चाहिए था, इसको हमको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होता है, बट हम लोग क्वेश्चन में इसको कन्वर्ट करके सीधा सिंपली लिख लेंगे। तो आइए हम लिखते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन का जो फॉर्मूला होता है गिवेन मास ऑफ सॉल्यूट जो है हमारा दिया हुआ है 4.9 और बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो भी गिवेन है, बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो ml में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या किए 1000 से ऊपर में मल्टीप्लाई किए, यहां से 10 नीचे आके बैठ गया डिसिमल जब हटा तो यहां पे 3 0 टोटल हो गए, तो ये 3 0 से ये टोटल कैंसिल हो गया और हमारा आंसर कितना आ गया, आंसर हमारा हो गया 49 g/L, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन हमारा निकल आया। किसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना था, H2SO4 सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, तो आंसर हमारा ये हो गया, ओके तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो दिया हुआ है, इफ अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl सॉल्यूशन इन इतना,
कॉन्सेंट्रेशन जो है HCl का वो गिवेन है हमारे पास में 1.5 ग्राम पर लीटर. फिर पूछ क्या रहा है, देन कैलकुलेट मास ऑफ HCl इन 600 ml ऑफ सॉल्यूशन. यानी ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ. ये पहले वाला क्वेश्चन की तरह नहीं है, वहां पे था क्या कि कॉन्सेंट्रेशन हम पूछ रहा था हमसे कैलकुलेट करने को, और वहां पे वॉल्यूम दिया होता था और मास ऑफ सॉल्यूट दिया होता था. बट यहां पे कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है और मास ऑफ सॉल्यूट हमसे पूछ रहा है. ओके, तो बस फॉर्मूला हमको याद होगा, फॉर्मूला हम रखेंगे और फिर इसको पुट करेंगे, और जो मतलब पूछ रहा होगा वो ऑब्वियसली वो साइलेंट हो जाएगा, और जब सारा जो वैल्यू पुट करके हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे तो वो हमारा निकल आएगा उसका आंसर. तो चलिए हम देखते हैं कैसे इसको क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करते हैं और कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, ये टाइप टू इसको बोल सकते हो. तो देख लेते हैं. तो पहले हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं. गिवन मास बाय वी ऑफ सॉल्यूशन लीटर. ओके, तो यहां से कॉन्सेंट्रेशन निकालना है. तो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास में गिवन कितना दिया हुआ है, 1.5 ग्राम पर लीटर. उसको हम लोग पुट कर लिए यहां पे 1.5 ग्राम पर लीटर, ये दिया हुआ था. चलो, ये हमसे पूछ रहा था गिवन मास किसका, HCl का. तो ये जो मास ऑफ HCl जो कि एक सॉल्यूट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको ऐसे ही हम लोग छोड़ देते हैं. नीचे में फिर दिया हुआ था वॉल्यूम, दिया हुआ था वॉल्यूम हमारे पास में था कितना, 600 ml. 600 ये ml में दिया हुआ है, ml में. अब देखो इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं. तो आपको पता होगा ये डिवाइड के फॉर्म में है, जब इधर आएगा इस इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में बदल जाएगा. तो देख लो, तो मास ऑफ HCl तो 1.5 मल्टीप्लाई ये ऊपर आ गया. और ध्यान देना था कि यहां पे तुम क्या कर सकते थे, इधर ही तुम इसको अगर कन्वर्ट करते तो यहां पे ऊपर में तुमको 1000 भी लेके चलना होता, बिकॉज यहां पे ml है और ml को तुमको लीटर में कन्वर्ट करना था. तो यहां पे 1000 तुम लेके चलते. ओके, और 1000 जब यहां पे होगा तो ये वाला तो ऊपर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा, और ये 1000 जो होगा वो नीचे आ जाएगा. तो यहां पे इस कंडीशन में 1000 हमारा नीचे आ गया. क्लियर? तो यहां से क्या किया हमने, एक पॉइंट को हटाया तो एक जीरो हमारे पास में नीचे बैठ गया. तो हम लिख सकते हैं ये दो जीरो से, ये दो जीरो हो गया कैंसिल, और यहां से अगर करें 56 तो होता है 90. ओके, और नीचे दो जीरो बैठा हुआ, तो दो जीरो जो बैठा हुआ है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो फिर से कैंसिल, और आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 0.9 ग्राम. एंड 0.9 ग्राम हमारा आंसर हो गया. आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. तो हम लोग आज के लिए इतना काफी है, और फिर कल हम लोग आते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके, और उसमें हम लोग बात करेंगे आगे कॉन्सेंट्रेशन को किस किस टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, वो सारा हम लोग देखेंगे, जिसमें मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय मास, पार्ट पर मिलियन, ये सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, और उसमें फिर से उसका न्यूमेरिकल वगैरह सारा होगा, एकदम अच्छे से होगा. आप लोग बने रहो मेरे साथ में, और यकीन मानो हम तुम्हारा बेड़ा एकदम पार लगा देंगे. तो स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके.